रसोई में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ लाई एक नई रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी अप्पे और इसमें डालूंगी खूब सारे वेजिटेबल्स। तो चलिए देखते हैं अप्पे की रेसिपी कैसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए देखिए और सेम वैसी बनाइएगा तो आपके अप्पे भी वैसी बनेंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे, खाने में बहुत मजे के बनेंगे। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं अप्पे की रेसिपी। अच्छा, हमको सिखा रही है। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, बर्तन लेंगे, जैसा भी आपके पास है। मैं यहाँ एक बॉल ली हूँ, उसमें डालेंगे गाजर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, प्याज और यहाँ एक इंच जितना अदरक है इसको मैं अच्छे से घिस ली हूँ, दरदरा कर लेंगे। और यहाँ है थोड़ा सा पत्ता गोभी और इसमें डालेंगे एक कटोरी जितना रवा सूजी और इसमें डालेंगे एक कटोरी दही। दही खट्टा हो या मीठा हो चलेगा, कुछ भी हो, थोड़ा सा इसमें आधा कटोरी जितना दही डालिएगा। और यहाँ मैं एक चम्मच जितना स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने हिसाब से देख के ही डालिएगा। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, एकदम से ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे ताकि जो रवा है सूजी है अच्छे से भीग जाए। अब ये काफी अच्छे से भीग गया है, एक बार इसको और चेक कर लेंगे। अगर ये सूखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और मिक्स करेंगे, और अगर ये ठीक है तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। अब इसको रख देंगे साइड में, अब गैस ऑन करते हैं और ये जो अप्पे का बर्तन है वो इसमें रख लेंगे। और देख रहे हैं अप्पे का बर्तन ये गंदा नहीं है बिल्कुल भी, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे यहाँ हर 2-2 दिन में अप्पे बनता है, मेरे बच्चों को अप्पे बहुत पसंद है तो मैं बहुत ज्यादा बनाती हूँ। तो ये देखिए इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। देखिए अप्पे का बर्तन है बहुत गर्म हो गया, गैस को थोड़ा सा मैं स्लो कर लेती हूँ और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, कोई सा भी तेल आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे राई, अगर मीठा पत्ती है तो इसमें मीठा पत्ती भी आप डाल दीजिए बारीक बारीक काट के, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाली हूँ। अभी अच्छे से हो गया, फोरन जो कड़क गया, अभी थोड़ा सा अप्पे का बैटर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा जितना इसमें आ जाए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं भरना है। सभी अप्पे के साथ में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, अब यहाँ गैस को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। अब इसको एक ढक्कन से कवर कर देंगे, इसको इसका जो ढक्कन है मिल नहीं रहा है मेरे को तो मैं इसी से कवर कर रही हूँ, ये भी चल जाएगा। तो ऐसे कोई भी ढक्कन हो इससे आप कवर कर दीजिए इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। अब ये जो अप्पे हैं वो एक साइड से सीख गए हैं, अब इसको धीरे धीरे पलटी कर लेंगे। तो ऐसे चाकू से आप करेंगे तो बहुत आसानी से पलटी हो जाएगा ये। अभी अप्पे को अच्छे से पलटी कर लेंगे ताकि इसका जो दूसरा साइड है वो भी अच्छे से सीख जाए। अब ये जो अप्पे हो बनके एकदम रेडी हो गया है, गैस को कर देंगे ऑफ। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के जो अप्पे हैं उसको भी वैसे बना लेंगे। अब ये जो हमारे अप्पे हैं वो बन के एकदम रेडी हो गए हैं खाने के लिए, ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं सॉफ्ट। तो आप भी ऐसे बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम बनेंगे, इसको टमाटो सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत नरम है पर बहुत टेस्टी है। अभी बनाइए, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, देखिए बहुत सॉफ्ट है। बाय।